तो कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं मिर्ज़ापुर के सीज़न 1 के एपिसोड 1 पे। और ये बहुत ही फेमस वेब सीरीज़ है। इसकी जो रेटिंग है वो 18 प्लस से है, मतलब कि 18 प्लस से जो कम के हैं, जो एडल्ट्स नहीं हैं, बॉयज़ या गर्ल्स जिनकी उम्र 18 से कम है, वो इसको नहीं देख सकते भैया। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होता है कालीन भैया से, किंग ऑफ मिर्ज़ापुर। तो बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल ये वेब सीरीज, तो आज की वीडियो में हम इस पर रिएक्ट ही करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट एपिसोड है सीज़न 1 का, ये वो है, और यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग, कालीन भैया द किंग ऑफ मिर्ज़ापुर। तो जहाँ तक मुझे पता है, कालीन भैया किंग होता है मिर्ज़ापुर का, जिसको जिसके पास गद्दी होती है मिर्ज़ापुर की, और जो सारे लेन देन होते हैं वो वही करता है कालीन भैया। तो अपनी नहीं ना हुई कंपाउंडर, ओके ये भी ले लो। तो ये आपस में भाई कुछ झगड़ा कर रहे हैं कि कालीन भैया अभी तक किंग वो है, हम नहीं है। हालांकि ये भी कोई रिश्तेदार। और यहाँ पर भाई ये जो बंदा है, ये शादी हो रही है और ये कालीन भैया का बेटा है मेरे ख्याल में। और यहाँ पर भाई फुल जैसे शादी होती है धूमधाम से, वैसे ही हो रही है। आवाज़ मेरे को यार थोड़ी सी यहाँ पर डाउन करनी पड़ रही है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू। तो यहाँ पर ये पहुँच चुका है कालीन भैया का बेटा। तो कालीन भैया के मरने के बाद मिर्ज़ापुर इसी के भाई हाथ में आने वाला है। ये जो बैठा है, ये जो भी बोल रहा है, गाड़ी में जो बैठा है बियर्ड वाला जो ड्राइविंग सीट पे है, चलो भाई कंपाउंड। तो इसका दोस्त है जिसका नाम कंपाउंडर है। वैसे इसके तीन दोस्त हैं बेसिकली, और जो कंपाउंडर है मेरे ख्याल में वो इसका जरा थोड़ा ज्यादा क्लोज फ्रेंड है। आई जैसा कि मुझे आई परसेप्ट के लेट्स सी, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये शादी में पहुंच चुका है, यहाँ पर गाड़ी, क्योंकि रोड पे हो रही है शादी, तो गाड़ी को ब्रेक लगा के ये शादी में ही घुस गया है। और यहाँ पर अभी देखना ये है कि क्या होता है भाई। तो शादी जिस तरह आपको पता है ट्रेडिशनली जैसे इंडिया में होती है धूमधाम से भाई, वैसे ही हो रही है। और ये शादी में नाचते हुए अपना जो होश है वो मुझे लगता है कि खो बैठेगा। तो ये इसको पूछ रहा है कि भाई क्या इधर क्या करने आए हो, कौन हो। तो इसने बंदूक उसको दिखा दी है। तो अभी बंदूक के सर पे उसको नचा रहा है ये, और यहाँ पर फायरिंग इसने शुरू कर दी है। कोबरा डांस करने को बोल रहा है भाई, हालत देखो यार। तो ऐसा ही होता है जहाँ पर भाई गुंडा करती होती है, जहाँ पर गुंडों का राज होता है, पुलिस का या किसी भी और जो इंस्टीट्यूट होता है जो पीस को मेंटेन रखता है, वहाँ पर अगर ना हो तो ये हालत होता है। अभी इसको गोली किसी को लग गई है, क्योंकि हवाई फायरिंग का भाई यही हाल होता है एंड पे। तो यहाँ पर किसी को तो लगी है गोली, देखते हैं किसको लगी है। दूल्हे की आंख उड़ गई है भाई, देखो मतलब कि वो मर गया है मेरे ख्याल में यार, ये हालत है। तो इसने भाई बिल्कुल नाचने के नशे में फायरिंग शुरू कर दी, और फायरिंग किसको गोली लगी, जो शादी में जो दूल्हा था उसके सर में से गोली होते हुए उसकी आंख को ले उड़ी, और साथ में वो अपनी जान से भी गया। और अभी भी भाई इस बंदे को कोई टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि एक किंग का बेटा भाई, किंग ऑफ मिर्ज़ापुर का ये बेटा। यहाँ से शुरू होता है ये सीज़न फर्स्ट का एपिसोड फर्स्ट।
और थोड़ा हम इसको आगे करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ है खास नहीं। इंट्रोडक्ट जो मिर्ज़ापुर का इंट्रो है वही है। तो यहाँ पर आपने इंट्रो देख लिया कि शादी में गोली मार के दूल्हे की उड़ा दिया, और इसको कोई टेंशन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर पुलिस का कोई लेन देन नहीं है। तो केस समझो, सॉल्व समझो। तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है मिर्ज़ापुर का सीज़न 1, एपिसोड 1, देखते हैं अभी। तो यहाँ पर त्रिपाठी, ये कुछ है कालीन, कालीन जो भैया नाम मशहूर है वो इसी वजह से, त्रिपाठी कारपेट कंपनी। तो कालीन भैया जो है वो किंग ऑफ मिर्ज़ापुर तो है ही, साथ में वो कारपेट का बिजनेस करता है, तो इसी वजह से उसका नाम भी कालीन भैया है। लेकिन कारपेट का बिजनेस सिर्फ ऊपर से है, शो ऑफ करने के लिए। अंदर से क्या होता है वो अभी आप देखेंगे कि कारपेट के अंदर स्मगलिंग, ड्रग्स की, वेपन्स की, और देखेंगे अभी हम यहाँ पर के और क्या क्या चल रहा है। तो ये कारपेट का जो धागा होता है उसमें कुछ खास आया मेरे ख्याल में। ये कारपेट भाई, कालीन भैया, ये जो भी सूंघ रहा है इसको, ये भाई मतलब इसको आप बॉस बोलो, किंग बोलो, ये अभी जो टेस्ट कर रहा है, पता नहीं ना गांजा है कि गोल चरस जी, है। लाला जवान का पक्का है, बर्फी बढ़िया है, अच्छा नशा तो देगी। लाला जो है वो एक बंदा है काम जो करो, यहाँ इसको कालीन का प्रोडक्शन बढ़वा दो जो ड्रग्स जी सेल प्लीज। करता है जिसमें और गांजा, कट्टू का अफीम क्या या पता नहीं हुआ, क्या है, तैयार है? उसके साथ ये जो कालीन भैया गन्स का बिजनेस भी करता है, कट्टों भैया जी का। आगे, भैया जी आगे। तो यहाँ पर कट्टे जो इंडिया में जो है, कट्टे गन्स की तरह की होती है, एक उसी टाइप होती है, और ये बहुत ही चीप क्वालिटी की गन होती है जिसको इंडिया में कट्टा बोला जाता है। और ये सिमिलर टू रिवॉल्वर होता है, वैसे ये रिवॉल्वर नहीं होता। खरीदा था उस कट्टे से ओ इसका। भैया जी, हम ट्रिगर दबाए पर हाथ में ही फट गया। तो इस बंदे ने कट्टा खरीदा था, कोई इसके हाथ इसलिए तो में ही तुम इसके लिए गोली हमारे दरवाजे पर चले आए। ब्लास्ट हो गई। नहीं भैया, इसको हम मना किए थे पर आपसे मिलने की जिद पकड़ लिया था ये। टेस्ट ओ करके नहीं लिया था? टेस्ट नहीं किया था कितने में क्या? लिया था कितने का लिया था? वो? अच्छा 1500, 1000 वाला। 1500, 1500 का कट्टा। भाई देखो रेट, देखो अब 1500 में भोसड़ी के AK-47 चाहिए तुमको? 1500 में क्या AK-47 मांगते हो क्या? मकबूल मकबूल, गिव मी अनदर वन। दो ने छा डाल के। अच्छा मकबूल जो है ना, कालीन भैया का बहुत खास बंदा है, ठीक है? अभी भी मकबूल साथ में है, ले लो। टेक इट। और ये मेरे ख्याल में, चलिए ट्राई करिए। अच्छा ट्राई कब हो रहा है इसको? पहले उसका एक हाथ उड़ चुका है, अभी दूसरा हाथ बाकी है, तो देखते हैं अभी क्या बनता है। भैया जी हम राइट हैंडर हैं। मैं राइट हैंडेड जी हूँ। अब लेफ्ट हैंडर हो गए हो। अच्छा अब लेफ्ट हैंडेड हो अब गया, आगे का जीवन जो है ना, खाना धोना सब उसी से होगा, बाएं से। चलिए चलिए करिए ट्राई। सही। तो कालीन भैया ने भाई ऑर्डर दे दिया, तो ऑर्डर को मानना तो पड़ेगा वरना कल्टी हो जाएगी हर चीज। और यहाँ पर ये ट्राई करने लगा, अभी कुछ भी हो सकता है, देखना ये कि क्या होता है। कट्टा भाई हाथ में ही फट गया यार, उसका दूसरा हाथ की हालत देखो यार, हालत देखो क्या हालत खराब हो गई यार। ले जाओ इसका हॉस्पिटल में। अरे अच्छा इसको हॉस्पिटल ले जाओ। उसकी भाई हाथ की वो हालत देखो यार, उसका क्या विदेशी हाथ कट्टों को फलूदे कुछ की करना तरह पड़ेगा फट अपने गया। खाने का, व्यापार में नुकसान होता है। चल बैड फॉर बिजनेस। कट्टा जो है ना भाई, उसकी क्वालिटी डाउन हो गई है, जिसकी वजह से वो हाथ में फटने लग गए हैं। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो हम बाद में जाकर देखेंगे कि ये कट्टे जो है भाई इतनी क्वालिटी के लो के क्यों आ रहे हैं, मतलब। दोस्तों, आपकी जिंदगी में नया सवेरा लाएगा कौन? गंजूमल कॉलेज को मुन्ना त्रिपाठी के आतंक से मुक्त कराएगा कौन? मुन्ना भाई, शांति और अमन तो जो लाएगा उसका बेटा कौन? है कालीन भैया का, जो शुरू में मैं आया था, जिसने वो दूल्हे को उड़ा दिया आपका था, उसका दोस्त नाम है हूं। मुन्ना तो त्रिपाठी, दोस्तों, जो मुझे कि अपना कालीन भैया प्रेसिडेंट का बेटा चुनकर होता है इस सीरीज अपने में, और अपने और कॉलेज कालीन के भैया के भविष्य को मरने के बेहतर बाद बनाए। गद्दी उसी के हाथ में आने वाली है। तो ये कॉलेज में पढ़ता है, और भाई कॉलेज में भी इसने सबकी नाक में दम किया होता है,
ये देखना अभी क्लास में क्लास चल रही है यहाँ पर। इसी कॉलेज में भी वो ही पढ़ता है जिसने वो दूल्हे का सर उड़ा दिया था, आँख उड़ा दी थी। बहुत मजबूत कर लिए हैं कलाइयां गुड्डू भैया, थोड़ा तो ये पढ़ भी गुड्डू लीजिए। भैया है, गुड्डू, इसका नाम गुड्डू है जो ये उठा रहा है हाथ में। अरे परमान जी, क्या उठिए, अगली एंट्री बताइए तो। तो क्लास अभी जरूरी होने की हालत अरे देखो यार, खड़े हो क्या जाइए, चल रहा है अरे यहाँ पर। कोई सीरियसनेस नहीं है भाई, मिर्ज़ापुर की एजुकेशन सिचुएशन देख सकते हो आप लोग। तो बनमानुष जैसा अपना शरीर बना रहे हैं ना, ये एकदम मैच करता है आपकी बुद्धि बनमानुस, से। अरे दोनों बनमानुस के वो दोनों बड़ा बंदर मोटे, होता है, बंदर जिसका जिसका अरे एक ही दो काम होता साल है से फेल खाना हो और रहे हैं। सोना। पंचवर्षीय योजना बनाना है क्या? बैठ 5 साल का प्लान बनाना है जाइए, क्या? लंच करेंगे। हंस कह रहे हो भाई, गुरुजी में लंड कह रहे हैं, हम मुंह तोड़ देंगे इनका बाहर। यार नहीं, मैं कमाल ही है कह रहा यार, हूँ, यार लंड कह रहे हैं, इसमें ठ होता है, ड नहीं होता है। लंड मतलब मानो, कि दिमाग से गधा, कम जड़ से बुद्धि कम से। दिमाग वाला बोला है जो टीचर है इनके। हाँ फिर ठीक, वैसे ओके देन इट्स ऑल राइट। भी बुद्धि होती लुढ़क लुढ़क के तुम्हें क्लास में थोड़ी आते। हाँ अगर इसलिए मेरे तो पास कह रहे हैं कि दिमाग थोड़ा पढ़ होता तो लीजिए, मैं पढ़ कैसे के क्लास क्या में होगा आता। बुल्लू, सारी सीट जो है ना रिजर्वेशन वाले ले जाएंगे। हमारा तो तुम जानते हो बे, इस साल मिस्टर पूर्वांचल हम ही बनेंगे। 51,000 नाम है, फिफ्टी टाइम वन भी है थाउजेंड प्राइस स्पॉन्सर, कालीन इतने भैया हाथों से इज ट्रॉफी देंगे इसको हम। ना ट्रॉफी हिमसेल्फ। अच्छा है, अच्छा है, तो यहाँ पर ये कालीन भैया की बहुत बात ही अच्छा कर है। रहा है गुड्डू, और अभी ये क्लास में बैठे हैं और ये पता नहीं कौन आ रहा है। नमस्ते, नमस्ते। अगर आप लोगों को इस कॉलेज से गुंडाराज हटाना है तो हो कृपया मुझे ही मत दें, तो दीपू यहाँ पर सिंह मेरे नाम ख्याल याद में रखिएगा, कॉलेज में और इलेक्शन दीपू वगैरह सिंह। हो रहे हैं और ये गुंडा राज को ख़त्म करने की बातें हो रही है यहाँ पर। दीपू ओह कालीन भैया का बाबू, बेटा मुन्ना त्रिपाठी अबे यहाँ पर आ चुका है। दाबो बे, जाओ ना। तो यार मुन्ना त्रिपाठी का रोल इस सीरीज में बहुत जो है ना मेन रोल है, और ये कंपाउंडर उसका दोस्त है। देखो यार केमिस्ट्री की लैब में आ चुके हैं यहाँ पर। ए सफेद कोट आ गए नेताजी, बता रहे हो कि पढ़ा है केमिस्ट्री। और भाई कोई भी यहाँ पर हालत नहीं है, मतलब देख यार, मतलब जंगल का कानून है यार मिर्जापुर में। आप ये समझो कि इट्स अ जंगल, जंगल से भी बुरी हालत है यहाँ पर मिर्जापुर की जो दिखाई गई है। तो यहाँ पर मुन्ना त्रिपाठी का जो गुंडे लोग हैं भाई वो आ चुके हैं क्लास में ही। अब पता नहीं इसका क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। नाश्ता करके आए, भगा रहा है गांडू। नमस्कार मास्टर। तो वो उसी क्लास में आ गया हाँ जिसमें भैया, वो गुड्डू पढ़ रहा है भाई, हालत देखो। ये आप लोग पीछे क्या देख रहे हैं, सिनेमा हो रहा है क्या? पढ़िए लिखिए। छोड़ो, मुन्ना भैया को देख कैसे दौड़ा है इसको। यहाँ पर भाई मुन्ना क्लास जो है में उसको सब खड़ा बड़ा बोल जानते हैं रहे हैं, यार, पढ़ने लिखने मतलब वाले इसको सब छात्रों को को पता है बोल कि ये रहे तो हैं गुंडा बोल है ही रहे हैं भाई, ऐसे। इसको पंगा लेंगे पढ़ाई लिखाई में ध्यान तो लगाओ, हालत खराब इंजीनियर्स होगी। बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने चनूने काट रहे हैं। इलेक्शन में खड़े होंगे, कन्वेंसिंग करेंगे। तो इलेक्शन की वही गेम दोस्त जो पहले हमने बात की थी, और यहाँ पर ये गुड्डू इसको लात का जो है ना वो गिरा देता है। चलो 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 बेटा चलो। क्या नाम है हमारा? मुन्ना त्रिपाठी, मुन्ना किंग त्रिपाठी, ऑफ गजुमल कॉलेज। किंग ऑफ गजुमल तो कॉलेज। बेटा अगर हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्शन का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है यार ना? मतलब कोई छोटी कोई सी बात सीधी लाइन है यार, बिल्कुल है। गुंडा राज है हर कैसी चीज में। कर दें गोल जी भैया जी, कर दें। हाँ पता नहीं क्या होगा यार उसके साथ। इस डील में तो खन्ना की दोनों हड्डी टूट गई। हाँ भैया, तुम शाम को तुम्हारे लिए कैंटीन में चाय और समोसा, नाम ले देना। तो भाई मुन्ना गिराने का भैया इसको क्या इनाम मिला है, चाय और टोंडे करा समोसा। दीजिए, 50 अली टोंडे बनना मांग, है ना इनको? अंडे मांग रहा भाई वो चाय की जगह में। चाय आप पी लीजिएगा मार्ट सर। चलो बे, अरे दीपू सिंह को टंगड़ी का है हमारे भैया, वो देखे नहीं कितनी शाबाशी दी है हमें। तो भाई मुन्ना के साथ शाबाशी लेके बड़ा खुश हो रहा है गुड्डू।
पहनती है ना तू, दोलन आंदोलन होता है, इसलिए लड़के तेरे पीछे चलते चलते पूरा बाजार घुमा। थोड़ी तो शर्म किया कर स्वीटी, अब तुझसे भी शर्माए। अच्छा सच बता, जब लड़के साइकिल उठा के पीछे चलने लगते हैं तो अपने भी चाल में स्टाइल आ जाता है ना। अच्छा अगर ऐसी बात तो यहाँ पर भाई लड़कियों की वो बातें शुरू हो गई हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। हम लड़का हैं कि वो, और सारी डेट्स निकल जाएंगी, डेट पे नहीं ले जाएंगे वो। और यहाँ पर फटती है हमसे, थोड़ा आगे कर लेते हैं यार, क्योंकि वो देखो साउंड उसकी हालत दिखाएं। और पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है। अच्छा शरीर बनाए हो, कोई हमको छेड़ेगा तो बचा लोगी? जी काम रह गया ना बुड्ढू भैया को, लड़कियों को बचाएं। हाँ सही है, बॉडीगार्ड का ही नहीं रख लेती है, बॉडीगार्ड का ही नहीं रखती यार। तो गुड्डू भाई इसका बॉडीगार्ड बनना चाहता है, पता नहीं क्या है यार। दिखाओ जरा, लो मछली दिखाया गई है। ऐसे नहीं फुला के दिखाओ बारे की तरह। तो गुड्डू भाई ये मतलब गुड्डू का रोल भी आगे जाके इस सीरीज में बहुत जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, और जहाँ तक मुझे लगता है गुड्डू ही है जो पहले सीजन में और दूसरे सीजन में है, बाकी लोग तो चले जाते हैं जहाँ तक मुझे मुझे आइडिया है। विदाउट परमिशन, ये लो भाई पापा को बता, विदाउट परमिशन पता है ना पुलिस में ठुल्ले बहुत जोर से मारते हैं। तो भाई इस लड़की का जो बाप है वो पुलिस में है, और ये जिसके जिसके कान पकड़ रहा है वो इसकी बहन है गुड्डू की, और ये जो साथ लड़का खड़ा है ये गुड्डू का भाई है छोटा, ठीक है, और ये तीनों बहन भाई हैं। है ना हम खूबसूरत, या थोड़ा आगे करना पड़ेगा, इधर फिर वो बोरिंग बातें शुरू हो गई हैं। चलते हैं थोड़ा आगे। देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। अच्छा ये बंदा बैठा है कचहरी में, ओके। माचिस है पंडित जी, माचिस है पंडित जी, कहते हैं मैं सिगरेट नहीं पीता। सिगरेट तो हम भी नहीं पीते, सिगरेट हम भी नहीं पीते। कितना टाइम है हियरिंग में? 10 मिनट लगेंगे। हियरिंग में कितना टाइम है? यादव जी के आदमी का केस है, कोर्ट में ज्यादा उछलेगा नहीं। नॉट गिल्टी चाहिए पंडित जी। तो ये सारी बकवास हो रही है किसके साथ? एक वकील के साथ। और वकील क्या करता है भाई, वकील के साथ पंगा लेना कोई आसान चीज थोड़ी ना यार। लो उसने गन निकाली, हालत देखो, वो उसने छुरी निकाली है जो सब्जी काटते हुए चुरा के लेके आया था। कचहरी है ये, मजाक बना रखा है। यार चुरे में क्या कर रहा है, और अभी क्या सिचुएशन हालत हो गई है खराब। यार अमेजिंग, यार अमेजिंग, पंडित जी ने सही फेंटी लगाई है। क्या सही फेंटी लगाई, देख लेंगे अंदर करवा के डंडे तोड़वाए। यार उसको इतनी पड़ी है गधे के बच्चे को, वो अभी भी आगे से जबान चला रहे हैं। बाकी हम दूल्हा के मामा हैं, ओके, और ये हमारी जीजाजी, दूल्हा इनका लड़का था। ये वही है जिसके जो दूल्हा था उसके सर में गोली मारी थी उसने, गुड्डू नहीं, गुड्डू ने नहीं, वो जो यार है जो कलीन भैया का बेटा है यार, उसका नाम फिर से भूल गया, मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना त्रिपाठी, जो उसने जो गोली ठोकी थी सर में भाई दूल्हे के, वो मर गया था, तो उसी का केस। और ये लड़ने आए हैं ये दोनों हमारी आंख के सामने, इसी लड़के ने गोली चलाई थी, ये लड़का, ये उसकी तस्वीर है मुन्ना त्रिपाठी की। तब तो पक्का लेंगे ये केस हम। तो भाई छोड़ दीजिए, हम स्टडी कर लेंगे। तो और किसी वकील ने केस नहीं लिया, और यहाँ पर ये जो है हमारी चिंता मत कीजिए, पंडित जी इन्होंने केस लिया, ये है कि आप तो पीछे नहीं हटेंगे बाद में। और यहाँ पर ये दोनों का केस कोई और ले नहीं जाता, तो पंडित ने कहा कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं केस को।
हमारा परिचय तो जानते ही हैं आप लोग, फूलचंद त्रिपाठी। ये लो जी मुन्ना। अच्छा इसका नाम फूलचंद त्रिपाठी है, बस इसको मुन्ना भैया सब बुलाते हैं। बुरा मत मानिएगा, फूलचंद त्रिपाठी बहुत चुतियों टाइप नाम लगता है। अच्छा फूलचंद त्रिपाठी सही नाम नहीं लगता। ये है मिस्टर पूर्वांचल। कौन? ये जो बुलाया खड़ा है ये। इस साल बनेंगे हम। कमाल है। बनेंगे मिस्टर यूपी। तो ये जो है गुड्डू जो है इसको मतलब कि कोई फोटो होर्डिंग पे डाल के खोलेंगे, मिस्टर मिर्जापुर बनने का शौक है पूर्वांचल। क्लासों में जा जाके छात्रों को पीटा जा रहा है, ये सब नहीं चलेगा इस कॉलेज में। अच्छा यार देखो मतलब ये खुद जलवे है मुन्ना भैया। मुन्ना जो है वो खुद गुंडा है, मतलब खुद पीटता है सबको जाके, और अभी खड़ा है इलेक्शन में और सारी वो चीजें कह रहा है जो कि सही है, और ये गलत कौन करता है? मुन्ना खुद करता है। जब सौ बिचलती है तो बाल हवा में उड़ते हैं शाहिद कपूर स्टाइल। यहाँ पर गुड्डू ने अपनी घर की बातें शुरू कर दी यार, थोड़ा आगे करते हैं इसको। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी। लो अभी मरे, मुझे लगता है कि गुड्डू की जो साइकिल है वो खराब हो चुकी है यहाँ पर। अरे ऐसे कौन करता है यार? इज्जत की इज्जत निकल जाती है यार, उसके क्या करें यार? ऐसे कौन करता है? अगर आपकी साइकिल खराब हो तो कौन बेवकूफ है यार जो इस तरह करता है? अभी ये साइकिल ठीक कराने लेकर गया है और यहाँ पर साइकिल ठीक हो रही है। पापा से दोबारा बात की है लखनऊ जाने की? पापा से दोबारा बात की है लखनऊ जाने की? क्यों नहीं की? चुपचाप लखनऊ जाके सिविल की कोचिंग कर लो, बुद्धिमान okay. आदमी हो, निकाल लोगे एग्जाम एक बार कायदे तैयारी किए तो। तो यहाँ पर ये कन्विंस कर रहे हैं अपने भाई को जो के गुड्डू का छोटा भाई है। रहने दीजिए ना, आप क्या बात करेंगे पापा से? पापा तो कहते हैं ये सब बेफालतू का खर्चा है, और वैसे भी लखनऊ जाके हमारी सिलेक्शन की कौन सी गारंटी हो जाएगी भाई? तैयारी हम यहाँ पे भी तो रह के कर सकते हैं मिर्जापुर में। तो पापा की वजह से ये रिजेक्ट कर रहा है। बैंक पे का फॉर्म है, भर देंगे उसको, और क्या। गुड्डू का जो भाई है मिडिल क्लास आदमी, आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। अब चाहे बहनचोद तुम में कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हो यहीं निपट जाओगे। सही बात बोले हैं भैया। अब इसको देख लीजिए, हम इंडियन आइडल में गाना गाना चाह रहे थे और यहाँ पंचर बना रहे हैं। अबे गांड ना फुला, मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के, पैसा बताओ कितना हुआ यार। कमाल है, मतलब यार इसमें गाली जो है ना यार मुझे नहीं समझ आती इतनी यूज करने की वजह क्या थी। विदाउट गाली के भी ये जो सीरीज थी वो सक्सेसफुल हो सकती थी, बट व्हाई यूज दैट बुलशिट एब्यूसिव लैंग्वेज? मिर्जापुर में भोकाल हो तो ऐसा हो, चलो तो साइकिल यार मतलब हालत देखो यार, साइकिल पे ये है। हालांकि आज के दौर में कोई साइकिल पे इतना नहीं होता, लेकिन यार यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को फिर जल्दी डरेगा। ये जो है भाई कालीन भैया की एक दो बार कर पाते हैं, दूसरी शादी से उनकी दूसरी वाइफ है। पहली जो कालीन भैया की बीवी थी या उनकी वाइफ थी, कालीन भैया की वाइफ थी वो थी मुन्ना त्रिपाठी की मदर, खानदान की बहू। बेसुआओं जैसे बर्ताव नहीं किया करो बिना मुन्ना की माँ का जगह दिए हैं तुमको। ओके मुन्ना की माँ की जगह दी लिहाज रखो, कुछ स्टेटस का लिहाज रखो। ना भैया की माँ चाहिए थी तो अपनी उम्र के लिए आते, जवान का ही ले। सही लाइन मार दी यार उसको। अब स्टेरॉइड्स देख क्या बॉडी बनती है। तो ये गुड्डू जो है स्टेरॉइड देख रहा है ऑनलाइन, फिर साइड इफेक्ट होते हैं इससे, इन सब चक्रों में ना पड़िए। तो उसका भाई उसको कह रहा है कि भाई इन चक्रों से दूर रहो, इनसे एक काम होगा दो और काम निपट जाएंगे, मतलब कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं। चलिए केक लाने, पापा आते ही होंगे। आ रहे दो मिनट आ रहे। शेर और शेरनियों के अलावा और क्या
तो ये यहाँ पर कालीन भैया का घर आ चुका है दोबारा, और ये कालीन भैया के फादर हैं जो सबसे बड़े किंग ऑफ मिर्ज़ापुर हैं, यानी कि किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, यानी कि मिर्ज़ापुर सबसे पहले इन्होंने संभाला था, जो कालीन भैया के अब्बा ये सामने जो व्हील चेयर पर बैठे, और आगे चल के इनका जो जो रोल है वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। और ये बहुत ही अजीब ही वेब सीरीज है यार, मतलब कि आपको समझ नहीं आएगा कि आगे क्या होने वाला है, बहुत इंटेंस है, और बहुत सारे लोग तो शायद इसको समझ ही ना पाए। ये पंडित जी जो कचहरी में बैठे थे वो घर आ चुके हैं, वसुधा मटर पनीर खाए कैसा लगा? हमारा मटर पनीर तो जज साहब खा गए। बटर पनीर जज साहब खा गए। गोभी मंचूरियन खाए। ओके आपके लिए। तो जिस तरह हम रूटीन में लाइफ होती है बिल्कुल इसी तरह, कुछ में ज्यादा कुछ लोगों को कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं दिखाया गया, बस एक ही हाई फाई है वो है कालीन भैया और उनकी जो फैमिली है, बस उसके अलावा सब नॉर्मल है। बारात में एक दूल्हे को ही ठोक दिया गुंडा लोग। तो गुंडे ने एक बारात में दूल्हे को ठोक दिया, उसी का केस मिला है इनको। केस लड़ेंगे ये। और यार एक वकील की जो मतलब के पैसे से हट कर होता है, जो सच का वकील होता है, उसकी लाइफ बहुत टफ। आपकी फैमिली पे डेंजर क्यों ना आ जाए, चाहे आपकी फैमिली पे डेंजर क्यों ना आ जाए, दिलाना था तो नहीं ना करनी थी शादी, जस्टिस दिलाना था तो शादी ना करते रहते हनुमान जी की। ये बीवी बोल रही है उनकी, करते सुरक्षा। अरे फैमिली का चिंता नहीं होता तो ये गन लेते हैं हम। कभी देखे हो किसी वकील के पास गन? कभी किसी वकील के पास गन देखी आपने? नहीं। दो साल भागे हो तब तो कहीं जाके मिला है लाइसेंस, शहर में 1,500 में मिलता है कट्टा। कट्टा 1,500 यार, कट्टा बहुत अजीब है। आप तो बन गए वकील, आपसे शादी करके हम बन गए झंडू। अब आपका इस शादी का कमेंट्री खत्म हो गया हो तो हाथ मुंह धो लें वसुधा जी। शादी का कमेंट्री खत्म हो गया तो हाथ मुंह धो लें, ये बैठा है भाई दादा। और ये मुन्ना त्रिपाठी आ चुके हैं। नहीं नहीं, हम मटन मटन नहीं खाएंगे। मटन मटन नहीं खाएंगे, बहुत मिर्ची डाल देती हैं, हम ये ले लेते। पापा की वजह से मिर्ची डाल देती है, मैं नहीं खाऊंगा, मुन्ना भाई ने बोला है। अभी ये सामने खड़ा है, क्या नाम है इसका, मकबूल। मकबूल जी भैया जी। हेलो। बस भैया जी आप खाइए। ठीक है भाई, मकबूल से पूछा है कालीन भैया ने क्या हुआ परसों, के खा लो, लेकिन उसने बोला नहीं। हो गई? अभी नहीं कराए पापा, कल करा देंगे, थोड़ा बिजी थे। अच्छा। थोड़ा बिजी था। हाँ बिजी थे, क्या किया दिन भर? तो कालीन तो भैया पूछ रहे हैं अपने बेटे से, बोर्ड सेट किए कॉलेज के लिए, बोर्ड कैंपेन दिखा रहा था उसको थोड़े। अब ठीक है। तो कालीन भैया की नजर भी है मुन्ना त्रिपाठी पे, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर ये पुलिस वाला आ चुका है यहाँ पर घर पे इनके। प्रणाम भाऊ जी। भैया जी नमस्ते। नया स्टॉक आ गया। एक आज चाहिए तो ले लो गुप्ता। अरे अरे नहीं भैया जी, हमारे पास तो ये यूपी सरकार की दी हुई है ना। यूपी सरकार की गन है, हम तो पुलिस के पास आपके दर्शन के लिए आ गए थे। ओके, दर्शन के लिए आए। दर्शन के लिए आ गए। क्या छुतियापा हुआ है जो रात को रुका नहीं गया? हो, पुलिस वाले से कालीन भाई ने पूछ लिया है कि क्या रीजन है कि भाई रात को क्यों मुंह उठा के आ चुके हो यहाँ पर, और अभी ये रीजन बताएगा। देखते हैं अभी कि क्या रीजन उसके कान में बोल रहा है पुलिस वाला। मुन्ना त्रिपाठी को समझ आ चुकी है क्या क्या हुआ होगा।